हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो है प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट। प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम कंसिडर करते हैं। अगर एक सिटी बहुत बड़ी है और वहां पे एक एयरपोर्ट सपोज है, तो वहां पे दूसरा एयरपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये मान के चलें कि ऊपर तो कोई ट्रैफिक है नहीं, तो हमारा कभी भी मन किया हम किसी भी टाइम पे हम कभी वो कर दें। इनका भी एक रास्ता होता है बेटा। जैसे ट्रेन एक ट्रैक में चलती है ना, उसकी लोकेशन पहले से प्री डिटरमाइंड है, सेम एयर ट्रैफिक के अंदर भी जो उनके रास्ते हैं वो भी प्री डिटरमाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से वो कर लेंगे, वो भी पूरा का पूरा सिग्नल बेस्ड होता है। वो भी मान के चलिए यहाँ पे आपको लैंड करना है और दूसरे जगह यहाँ पे है और यहाँ पे टाइमिंग है उसको टेक ऑफ करने की, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनके बीच के कम डिस्टेंस के कारण इनको सिग्नल ना मिल पाए, जिसके कारण से इसके इकोनॉमी, टाइम, हर चीज़ अफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन दोनों एयरपोर्ट के बीच में इतना स्पेस रखें, इतना डिस्टेंस रखें कि ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट ना कर पाए। अब इनके मिनिमम डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा? ये इसके मिनिमम जो डिस्टेंस है वो बेसिकली दो एयरपोर्ट, जो एडजेसेंट एयरपोर्ट हैं, वो डिपेंड करती है वही एयर ट्रैफिक के वॉल्यूम में और टाइप में। किस टाइप का वॉल्यूम है, किस टाइप का एयर ट्रैफिक है, क्या वॉल्यूम है, क्या ऑपरेटिंग फैसिलिटीज वगैरह वगैरह हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ही सीवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेस भी हमारे पास लिमिटेड है, एयर स्पेस जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर एयरपोर्ट की अपनी अपनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि एक एयरपोर्ट मैंने बना दिया यहाँ से 50 निकाल रहा हूँ, नहीं, उसकी एक कैपेसिटी होगी, 3 या 4 दिन भर में जाएगा या 40 जाएगा, इसका कुछ और होएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट से कितने दूरी में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि अगर एक स्मॉल जनरल एविएशन है, एयरक्राफ्ट है, जो कि BFR कहते हैं, विजुअल फ्लाइट रूल्स के हिसाब से जो मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, जो कि स्मॉल जनरल एविएशन को फॉलो करता है, उसकी होनी चाहिए 3.20 किलोमीटर। जो सर्व करते हैं बिगर एयरक्राफ्ट को, जिसके अंदर 2 पिस्टन इंजन होता है, वो उसके अंदर 6.40 किलोमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए, इन दोनों की 6.40, एक जगह 3.20। जहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल है सर्विंग, मतलब पिस्टन इंजन के साथ साथ है, वहाँ पे 25.60 किलोमीटर का एक स्पेसिंग होनी चाहिए। जब बात हम करें जेट इंजन की, तो वहाँ पे 160 किलोमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए। ये सब स्टैंडर्डाइज्ड है एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा ही, एविएशन स्टैंडर्ड के द्वारा ही तय किए गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने बात की कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट की नज़दीकियाँ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए इतना डिस्टेंस रहे ताकि ये दोनों अपने आप इफेक्टिवली काम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।